Yes, absolutely. Is it audible now? Yes, yes, it is. I would love to begin with one nice thing. In the morning, मैं उठ के सब तो पहले अपनी किट विट तैयार करके मैं चंडीगढ़ गार्डन है पीछे होटल दे और उदे नाल मैं सड़क के किनारे फुटपाथ मैं 90 मिनट दौड़ के आया। मैं अपना वर्कआउट किया जड़ा सी उत्थे मुंबई समुद्र के किनारे कर गया। सो आई इंजॉय द लॉट बिकॉज आई लव एवरीबॉडी इन दिस कंट्री एंड एवरीवेयर दे लव चंडीगढ़। सो मैनी क्वालिटी दिस सिटी हैज़ गॉट, सो मैनी क्वालिटी, वेरी ब्यूटिफुल, फ्रेश एयर, एंड आई रियली विश इट शुड रिमेन। हाँ जी, नॉट इन द सिटी, इन द पीपल आर वेरी गुड लुकिंग टू, दे आर, और वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सुखना लेक, हिल स्टेशन, एंड चंडीगढ़ इज वेरी स्पेशल एजुकेशनल हब, इट्स अ वेरी म्यूजिक का हब, इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। चंडीगढ़, हाँ जी, वहाँ नहीं मैं जा सका, तो दैट इज ऑल्सो वन अनदर वेरी गुड, इट्स अ प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस, इट्स रियली वेरी प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस। कभी कभी मैं बीच में एक आध बार कभी दो तीन साल में कभी कहते ना दबे पाँव आता हूँ आके घूम के फिर देन आई गो बैक। बढ़िया ने सारिया अपनिया ने, हाँ जी, कोई भी बेगाना नहीं, आई डोंट फील कि कोई पराया लगता है। हाँ जी, मुंबई, यस, कोई गल नहीं, गलत नहीं है। मुंबई आई लव टू गो द स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, द शूटिंग प्लेस, टू माई डायरेक्टर्स हाउस, माई म्यूजिक कंपोजर हाउस, एंड वेयर एवर, जहाँ भी हूँ, जहाँ भी, क्योंकि दैट इज द रियल विलाज फॉर अस, दैट इज द रियल पैलेस फॉर अस, जिथे कितने साडे कंपोजर ने, साडे प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, नैरेटर ने, राइटर्स ने, I love to go there and usually I go there only. I started as a stage performer. The संगीत दे नाल यात्रा भी शुरू हो गया, अलग अलग different culture नाल मिलने का मौका मिला, and I received so many opportunity to meet different culture. कभी आसाम डिब्रूगढ़ तक में जाके शो किए जिते हाथियों से बैठ के तुम दरिया क्रॉस करना होंगे और पूरे बैंड बाजा के नाल, है ना। सो सो मैनी अपॉर्चुनिटी आई रिसीव, तो बीइंग अ स्टेज परफॉर्मर, फिर बाद च इट स्टार्टेड विद अ कैसेट, जिहड़ियां लोकां नाल साडा संपर्क वधदा, लोग सीडीज खरीदते हैं, फिर नाउ डिजिटल हैगा, तुसी सारे जिन्हें हैगे, पर पैशन जड़ा वा उस यात्रा दे विच सब तो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो नहीं जाना चाहिए, जिन्हें असीं पंजाबी विच चस्का कहते हैं कि चस्का नहीं जाना चाहिए अंदरों, है ना, वो नहीं, वो मैनू लगता कि नहीं जाएगा मेरे अंदरों। मैं पंजाबी का एल्बम पहला कढ़िया सी जी, मैं लैस्टर रिकॉर्डिंग की सी इंग्लैंड, मुंडा साउथ हॉल का, तो अज भी मुंडा भुड़ गई आ रहा है। सो इट वॉज वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस, तो लोगों को बड़ा पसंद आया सी, कुड़ी लभे मुंडा, मुंडा कुड़ी पालदा, होया कि जो कुड़ियाँ तो लुधियाने की नहीं, मुंडा साउथ हाल का, तो दैट दैट वॉज माई फर्स्ट एल्बम। हाँ जी, हाँ जी, बट इफ आई रिसीव अपॉर्चुनिटी फॉर इवन पंजाबी और भोजपुरी और मराठी, इट इज सेम फॉर माई बॉलीवुड स्टेटस, इट इज सेम पैशन सेम। अगर मैं पंजाबी गाना भी गाँव तो मैं चाहे जैहो भी गाया जिन्हों ऑस्कर और ग्रैमी भी मिले, बट पंजाबी भी गावगा तो मेरे वास्ते पैशन, मेरा इंटरैक्शन विल बी द सेम। अगर पंजाबी की अपॉर्चुनिटी फाई इफ समवन विल थिंक ऑफ मी टू सिंग अ सॉन्ग इन पंजाबी, तो मेरा पैशन
मेरी अप्रोच टुवर्ड्स टू द सॉन्ग विल बी द सेम। हाँ जी, सर बॉलीवुड में पहला गाना आपका कौन था? हाँ जी, बॉलीवुड में जो आपने गाना गाया था पहला गाना कौन था? पहला गाना मैंने एक जो गाया था वो माधुरी दीक्षित जी की फिल्म थी लक्ष्मीकांत पैरेलाल जी का गाना था खिलाफ 97 आजा सनम। सुखविंदर जी कोई ऐसा सॉन्ग जिसे गाने में एक बड़ा चैलेंज आपको फील हुआ हो? क्या फील हुआ? चैलेंज? नो, I belong to the world of music. I belong to the world of entertainment. Challenge जो है वो sports में अच्छा लगता है और कई ऐसे चीज़ा भी ने जिदे च चैलेंज द फॉर्मेट बहुत परफेक्ट बैठता बट इदे च ये थोड़ा काफ़ी मूडी आ, बहुत इमेजिनेटरी वर्ल्ड है, इदे च चैलेंज वर्ड नहीं फिट बैठता। अगर मैनू किसी गाने नू गाउण च बहुत तकलीफ आ रही है, if I am not able to sing the song properly because of it is difficult, so it will be definitely difficult for the audience to understand also. Saadiya kahaniyan, saade geet, unna de shabd, unna de composition, singing, jinni saralta hoegi, unna oda impact zyada hoega. Te halaki ek wari hoya si, Haider film da gana, Bismil Bismil Bulbule Bismil. गुलजार साहब बैठे हैं, विशाल भारद्वाज जी भी बैठे हैं, शाहिद भी था उसमें, तो सब बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो बैले है, तो दैट वाज द थर्ड नेशनल अवार्ड आई रिसीव्ड फ्रॉम दैट सॉन्ग। उसमें थोड़ी तकलीफ हुई थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला तो मैंने विशाल जी को बोला था, मैं कह एक तो और तकलीफ वाले गाने गवा दूँ। सो एनीवे, बट चैलेंज स्टबर्न कर सकता है, चैलेंज कॉम्पिटिशन एंड सिक्योरिटी, बिकॉज वी बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, इट हैज़ टू बी वेरी ब्यूटीफुल, रिलैक्सेशन चाहिए, इमेजिनेशन की दुनिया, थोड़ा मूड बरकरार रखना चाहिए, स्टबर्न नहीं होना चाहिए कि मेरा गाना किन्ना चल रहा, सामने वाले का किन्ना चल रहा, मैं उस रेस च नहीं हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, एक रीजन है इस वेले जिदे करके मेरा विजिट चंडीगढ़ होया। श्री चमकौर साहब, मैं कल मेरे वास्ते एक परफॉर्मेंस ना कह के मेरे वास्ते एक सेवा वा जड़ी मैनू नसीब च हुई है, एक ऐसी जगह जिथे कुर्बानियां दित्तिया गई हैं ह्यूमैनिटी वास्ते, सारे नू पता, एवरीबडी नोज एटलीस्ट इन पंजाब। और मैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कल मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन नू मैं रिक्वेस्ट की कि तुसी वर्ल्ड वाइड इनू लाइव रिलीज़ करो ताकि दूसरे स्टेट्स, दूसरे लोग भी इस बारे उन्होंने भी नॉलेज होवे। ते चमकौर साहब दे हालांकि कई लोगों के थ्रू जड़े उन्होंने कल आपकी परफॉर्मेंस है, मैं कहने जी सेवा, ये सेवा, क्योंकि उस जमीन दे जर्रे दाने दाने च कितने त्राही त्राही है, तो उत्थे जाके मैनू सेवा। ये सीएम साहब आज तो तकरीबन आई थिंक सो 5-6 महीने पहले मुंबई आए से, फोन ते डिस्कस किया मेरे ना, और उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, उन्होंने जड़े सैक्रटरी से नाल उन्होंने भी इंट्रोडक्शन दी। एक चीज़ मैं बहुत कमाल दी लगी, मैं तुसी शायद एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट दिस, कि मैं इस करके उन्होंने एप्रीशिएट करना करन जा रहा हाँ कि वो व्हाट वाज दैट क्वालिटी, कि उन्होंने क्या कि मैं उन्होंने क्या कि तुसी मैं नरेशन दे दो कि बींग अ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्टेट, आई टोल्ड हिम कि मैं तुसी नरेशन दे दो, आई विल कंपोज इट, आई विल सिंग इट, और सुरजीत पात्र जी दे नाल मेरी गल होगी। तो मौजूदा सीएम साहब ने कहा कि मैं परसनली आवांगा, एक फाइल, दो अलग अलग कलर दे पेन, एक ग्रीन एक ब्लैक, कि जो हो जा रहा है टिक मार करी जा रहे, हारमोनियम दे नाल मेरे असिस्टेंट जड़े नाल बजाउंदे, साडे स्टूडियोज उन्हां दे असिस्टेंट,
and he was talking to everyone. He was trying to understand each and every thing, even technique of recording also. वो लफ्जा नूं प्यार नाल एक्सप्लेन करना पूरी जो सुरजीत पात्र जी ने लिखे एक एक शब्द नूं उन्होंने मैनू साझा किया मेरे नाल श्री चमकौर साहब के बारे सारा कुछ मैनू दस्या और उन्होंने डिटेल से दस्या ते मैं देखिया कि एक इन्नी प्रैक्टिकल जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं। मैं ही फोन पर कहा उन्होंने कि मैंने तुसी नरेशन दे दो एंड आई विल ट्राई टू मेक डिजाइन द एंटायर सॉन्ग। He said, no, I'm going to come personally. फिर दो बारी आए तो फिर दो बारी दूजी आ फिर मैं थोड़ा जहा लगे कि नहीं आया कि परौंठे बनते हैं तो फिर वो कहते मम्मी सोचने लगे कि सानू सुलह नहीं मारी तो वो सुलह बाद पूरे पंजाब फैल गई। मैं गाई जा रहा तो वो तालियां बजाई जा रहे तो बाद वीडियो किसी ने रिलीज करता बट एनी वे मैंने चीज़ पसंद आई। ये व्यक्तिगत तौर पर मैं उन्होंने तारीफ नहीं करके कि ताकि मैं वो शाबाशी मिलेगी बट आई हैव सीन विद माई ओन आईज कि उन्होंने लिया कि उत्थे उन्होंने टीम के नाल कई चीज़ों के कुछ चेंजेस भी कीतिया मैं बड़ा अच्छा लगे तो दैन आई वॉज टैलिंग हिम कि मैं कह चली जी तुम मैं डायरेक्टर कह सकता कहते नहीं मैं हाँ उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि इन वट सेंस मैं क्या फिल्म डायरेक्टर कहते वाई मैं क्या साढ़े फिल्म के डायरेक्टर इदा इंप्रोवाइज करते हैं चीज़ा चीज़ थोड़ा बदलाव थोड़ा इनपुट एक्सेप्टेंस तो उन्होंने फिर मैंने ऐसे कि असी श्री चमकौर साहब परफॉर्मेंस करेंगे फिर बाद ऐसा सुभाग बनया वो सीएम मनोनीत हुए तो फस्ट उन्होंने तीसरे दिन ही अपने सैक्रेटरी के थ्रू फोन ला के फिर मेरे गल की कि आप काम जरूर करना मैंने बड़ा अच्छा अभी जब उनको सीएम पद पे जब उन्होंने शपथ ग्रहण करने के तीसरे दिन क्रम करते हाँ जी हाँ उनकी अब कमी आ गई है और गाने के बजाय मतलब शोर शराबा इतना ज्यादा होता है म्यूजिक में। हाँ जी ऐसा क्यों है सर मतलब नहीं एक बहुत अच्छी सेइंग है द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। खास लोगों से दुनिया जानी जाती है खास लोग बहुत कम होते हैं। आज भी आपको सारे के सारे गाने खराब नहीं मिलेंगे कुछ गाने आपको अभी भी अच्छे मिलेंगे लेकिन भले कम लेकिन अच्छे मिलेंगे कुछ गाने मेरे तो खराब नहीं होते। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली एक बार कहीं पे बात हो रही थी कि गजल आखिर में जगजीत जी के साथ जिया करती थी उनके चलते ही वो भी चले लेकिन आएगी वापस आएगी। नहीं मैंने अस्तित्व फिल्म थी तब्बू ने किया था टाइटल उसका तब्बू महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट की थी अस्तित्व चल चल मेरे संग संग मेरी जाने गजल मैंने गाया था लेकिन आई डू नॉट कंसीडर माई सेल्फ लाइक हाँ जी इट वॉज रियली वेरी नाइस आई हैव रिटन उत्साह ते इमोशन दोनों पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि जो उत्साह आता वा तो उदे नाल इमोशन भी खड़ा हो जाता कि जो श्री चमकौर साहब दे जड़े इंसीडेंट ने जड़े जड़ी कुर्बानियां ने जो उन्होंने अखर सामने फिरते हैं तो एक इमोशन का भी एक औरा तैयार हो जाता नाल दे नाल। और ये पहला एक वाहिद एक ऐसा परफॉर्मेंस है मैं चलो परफॉर्मेंस कह सकता जड़ी असी आर्य सेवा करन इहदे वास्ते असी तकरीबन 6 या 7 दिन कॉन्सटेंटली मुंबई च रिहर्सल कर कीती है। वी हैव कम फ्रॉम मुंबई अराउंड 32 पीपल फॉर दिस ते असी इनू बिजनेस भी समझ के नहीं आए कोई किसी तरह की इकनोमिकली सौदेबाजी भी नहीं हुई
तो वो इस गल का उन्होंने भी उन्होंने भी एप्रीशिएट किया। हाँ जी टार किटिंग नो इट इज़ नॉट अ चार्जिंग नहीं 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 एक जैसे होता है ना कि आप कई लाखों में बातें होती हैं फिर कुछ किसी फिगर पे रुका जाता है, इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन जो विभाग उनका जो है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो इकोनॉमिकल कॉपरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारी प्रोफेशनल फीस होती है वो हमें चाहिए। वो मेरा अटेम्प्ट वो नहीं था, वो मैंने अपनी मैनेजमेंट को कहा था कि याद रखना कि ये सेवा है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये कर ली, ये सेवा कर लो संगीत के जरिए। मैं अभी नहीं जी अपना वो अपने शोले का तुम सुने था, और जो शोले का एक सीन है पलमारी खोल के पैसे नहीं दिखा देते। हाँ अपना वो आते ने लुटन पर बिशक वो गल ठीक है, आई कांट रिवील नाउ। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ साथ चलते हैं। तो ये कोई ये जो मैंने आपको पहले कहा ना कि ये ख्यालों की दुनिया है, ख्यालों में कहानी लिखी जाती है, ख्यालों में उसके शब्द लिखे जाते हैं कि क्या डायलेक्ट्स होंगे, ख्यालों में उसकी धुनें बनाई जाती गीतों की, शब्दों की, शायरी की, गाया जाता है। तो ये ख्याल जो है हवा की ही तरह है, वो नाल दी नाल कितने कितने लेके चलते रहते हैं। अब बॉलीवुड तो हूँ मुझे ना पै गया, इट इज़ नॉट आई डोंट कंसीडर इट्स इंडियन सिनेमा, इधर आई गो टू कर्नाटका मुंबई और वेर एवर इन साउथ। सारे पता नहीं बाकी ना मेरी कोई नहीं, दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट फैशन शो में, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू से कि हु इज द बेस्ट लुकिंग। हाँ जी मैंने उसके बाद एल्बम इसलिए नहीं शायद मैं रिलीज कर सका कि फिल्मों में ही मैं डिलीवर करता रहा, लेकिन अब दोबारा एक सिंगल के नाम से शुरू हुआ है। हाँ जी तो मैं वो भी अभी मेरा उसको रिकॉर्ड भी कर लिया गया है, शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी जो मेरा व्हाटएवर आई एम रिसीविंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल स्टिल एक ही माइंड में मेरे दिल में मेरी सोल में मेरे कंठ में भी वो बार बार श्री चमकौर साहब का ही वो पूरा ऑरा मेरे सामने आ रहा हुआ, क्योंकि मैं इस करके एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि मैं उत्थे कोई गीत गाने या कोई अपनी शोहरत वास्ते उन्होंने इनक्रीज करने वास्ते नहीं आ रहा, ये रब जानता जी कि मैं पूरी तरह इस गल नाल वाबस्ता हाँ कि मैं अंतरों इस सेवा नू लैके एक्चुअली उत्साहित भी हाँ इमोशनल भी हाँ। शहादत हाँ जी हाँ जी श्री हाँ जी जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो श्री खालसा पंथ साहब की स्थापना तक, तो नाल एक होर भी इबादत करने का मौका मिला कि 19 तरीक नूं यानी कल श्री गुरु नानक देव साहब जी का भी जन्म दिहाड़ा। एंड मैं बड़ा एक मैं मेरे बारे बल्कि असी बचपन च उन्होंने चिराग भी करते हैं, तो मैं अपने वालों भी एक बड़ा प्यारा तो बहुत सोहना सुनहरे वाला एक गीत भी लिखा जोड़ा मैं उन्होंने हाँ जी हाँ उन्होंने हाजरी वो भी गावगा, बट अदरवाइज इट्स अबाउट कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो लेके खालसा पंथ हाँ जी
हर दिन श्री चमकौर साहब, हर दिन, हर रात, हर वक्त, हर सुबह, हर शाम याद करने वाली जगह। वो तो फिर आ जाएंगे। हाँ जी, वो तो फिर आ जाएंगे, सेवा ही करनी, फिर दोबारा कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, पूरा प्रोग्राम जो साढ़े मौजूदा सीएम साहब जो आए सन मुंबई, कल्चर मिनिस्टर मैनू इस बारे अहद्या मैं उन्नी तरजीह नहीं दे पा रहा जिन्ना कि मैं व्यक्तिगत तौर पर दे रहा। वो उन्होंने आके जो आप मैं तुम दस्या कि अपनी टीम के नाल आए थे, वो छे दिन ही स्टेट दिया, छे दिन उन्होंने पूरा नरेट कर दिता, छे दिन आउटलाइन बना दी। खुशी मैं इस गल की हुई कि जो उन्होंने सीएम मनोनीत किया गया तो मेरे दिमाग सिर्फ एक क्वेश्चन से कि कदों सुनेहा आएगा मैं कि जो आप किया करना। वो तीसरे दिन शपथ ग्रहण के तीसरे दिन आया कि आप कम करना। तो मैं इन्ना खुश हो अंदरों, मैनू मैं उन्होंने कहा से, मैं जो तुम जिस दिन कहोगे आई विल कम, मैं आके उस सेवा कराँगा। मैनू ये गल चंगी लगी कि उन्होंने ये नहीं कि 15-20 दिन तक ही सारा कुछ पहले समेट लें फिर करेंगे। तीसरे ही दिन उन्होंने फोन आया कि आप सुखविंदर जी वो काम जरूर करना, तो आर यू रेडी विद इट। तो मैं वो रिवाइज करना दोबारा शुरू कर दिता क्योंकि ये मेरे वास्ते एक बॉलीवुड नाइट नहीं है जड़ी असि हर रोज़ या हर दूसरे या तीसरे दिन करते हैं। हर एक अखर मेरे नाल नवे जरिए वाबस्ता होना वा। सुरजीत पात्र जी को मैं आई मस्ट एप्रीशिएट, ही हैज़ रिटन सो वेल। सुरजीत पात्र जी ने पूरी कहानियां नो नरेट, पूरा जो इंसीडेंट हुए बड़े सच्चे ते साफ सुथरे तरीके नाल इन्ना सोहना लिखा, जिदा उन्हों का सोहना सुभा उन्हों की अखर भी उदा दे जी। तो कल जेकर थानू मौका मिले तो देख के कल मैनू भी एप्रीशिएट कर देना। हाँ जी, चिड़िया का चंबा मैं बचपन च मास्टर तो फैल लिया सी। हाँ जी, वो भी पंजाब तो नहीं, पाकिस्तान पंजाब तो। वो मैं जो सुनया सी तो मैं ना रो पिया, मैनू नहीं सी पता कि ये अर्थां दे पिछे की कुछ है। आई वॉज क्राइड, आई क्राइड लॉट। वो फिर उदो एक दो बारी होर सुने, फिर मैं मुंबई भी जो चला गया तो वो मैं विच विच गुनगुनाना सा। दैन सलीम सुलेमान उन्होंने सुनिया तो उन्होंने कहा कि वी वुड लव टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। हाँ जी, वो थोड़ा टाइम हो गया मैनू, मैं हालांकि पुरानी चीज़ा मैं सारी याद रही आही गाना याद नहीं। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबूला, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबूला, असां उड़ जाना वे साडी लम्मी उड़ारी, वे बाबूला साडी लम्मी उड़ारी, वे बाबूला असां उड़ जाना वे साडा चिड़ियां दा चंबा। थैंक यू।